हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आउट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस और आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो जानते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, तो उनकी उनके दिल की बात क्या है या वो आपसे क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में। अगर दिल की बात वो कहते नहीं है तो देखते हैं कि इन मैसेजेस के थ्रू वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सामने से कुछ मैसेजेस आए हैं एंड लाइक बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आज की जो एनर्जी है ना काफ़ी मैच करती हुई है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, रिकॉग्निशन, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, आंसर्स आर अविंग, फॉरगिवनेस एंड अबैंडनमेंट। सो कोई चोट खाने के बाद, कोई धक्का लगने के बाद उनको लाइक किसी सिचुएशन में, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक धक्का खाने के बाद या अबैंडनमेंट के बाद उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। सो ज़रूरी नहीं है कि धक्का खाने के बाद ही, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ फेज है, शुरू है, कि जिसकी वजह से ना उनको कहीं ना कहीं किसी वजह से कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ गाइडेंस मिलता है, कुछ बात होती है और वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यार कुछ तो है, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ वाली चीज़ मुझे सुनाई दे रही है। अभी क्या हो रहा है ना मालूम है कि जब वो अपना कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, वो जो एक डीप कनेक्शन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है, और वो किसी और के साथ वो कनेक्शन नहीं फील करते, तभी ऐसा लगता है ना कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी है। और ख़ास करके आपके साथ जो बिहेवियर रखा है, आपको तकलीफ़ में डाला, आपको छोड़ दिया, धोखा दिया या फिर ब्लॉक किया है, या जैसे जो बिहेव किया है ना, अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, एटलीस्ट दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनकी एनर्जी है वो वही है कि उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कनेक्शन डिफरेंट है और अभी उस कनेक्शन में वो सीरियस हो चुके हैं। उनको वो चीज़ों में और डेप्थ चाहिए कि वो समझने की कोशिश करें, बार बार हर तरीके से आजमाना चाहते कि हाँ क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसा है। और मुझे लग रहा है कि वेरी सून ये पर्सन है ना आपके सामने आ सकता है किसी आंसर्स को लेके, जो सवाल आपने पूछे थे, जो कमिटमेंट आपने मांगी थी, जो कोई शादी की बात थी या फिर ये मैरिड हो सकता है या जो भी है, कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और जो आपने सवाल पूछे थे ना, कि जैसे स्पेशली ऐसा लगता है ना यूनिवर्स ही आपने सवाल पूछे थे कि क्या इंसान मुझसे प्यार करता है, क्या इंसान मेरी ज़िंदगी में इसी के लिए आया था, या जो भी आपके सवाल है, वो सवाल जैसे आपके पास सवालों के जवाब आपके पास आ रहे हैं। एंड हो ना हो कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है और वो बहुत ज़्यादा खास लग रहा है मुझे। और फुल मून की एनर्जी, फुल एक्टिव, और आपके साथ कहीं दूर जाने का बहुत इच्छा, या हो सकता है कि ये पर्सन हाल फिलहाल में ही ट्रैवल कर रहे हो, या भले किसी और के साथ हो, शादी के रिलेशन हो या किसी भी रिलेशन में, बट हो ना हो वो ये पर्सन आपके लिए कुछ अलग ही फील कर रहे हैं। आई हेट हु आई रियली एम, आई एम फ्रॉम यू। इन्होंने आपसे बहुत कुछ चीज़ छुपाई है और ख़ास करके झूठ बोला था, झूठ बोला था। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। अभी उनको ना एक बातों का रियलाइजेशन हुआ है, जब भी आप उनके साथ थे तब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, ख़ास करके आप जो उनको संभालते थे, किसी चीज़ से जैसे बचाते थे, कुछ ऐसे नो सजेशन या गाइडेंस देते थे, या अनजाने में सही आप बोलते थे कि भाई इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, ये मत करो, तो वो सारी चीज़ें अभी लगता है कि नहीं यार, आप जब थे ना तो लाइफ कुछ अलग थी, अलग थी, अभी डिफरेंट है, लाइक आपके बिना डिफरेंट है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। अगेन वही एनर्जी है
उनको अभी ना रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी आपने जो कुछ बताया था, सिखाया था, स्पेशली ऐसा लग रहा प्यार क्या है जैसे आप ही ने सिखाया हो, लेट मी परस्यू यू, अभी आपको चेस करने की, आपके पीछे भागने की बारी इनकी है। ये उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में मेहनत आपको ही, उनको ही करनी पड़ेगी। सॉरी, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। मैं कहा ना कि उनको अभी ना एक शर्मिंदगी है, एक गिल्ट है, एक तकलीफ़ है कि मैंने किसके साथ ऐसा किया। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, ये आपके साथ कहीं दूर जानी चाहती हैं, दूर जाना चाहती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, गलत इन्होंने किया है, बिगड़ा इन्हें है, अभी चीज़ें सही करना चाहते हैं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आपको तकलीफ देने का इनका एक्चुअली दिल से कोई इरादा नहीं था। आई कैप द टेक्स्ट, आपके अच्छे हो या बुरे हो, जो टेक्स्ट है, आपके मैसेजेस है, वो संभाल के रखे हुए हैं। स्पेशली जो प्यार वाले हैं तो संभाल के रखे हैं। जस्ट से समथिंग टू मी, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंसान तरस गया है, वाली फीलिंग आ रही है मुझे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, उन्होंने अपनी फैमिली में आपके लिए बात करी है, स्पेशली अगर कंडीशन नॉर्मल है तो ज़रूर बाकी है, वरना किसी से तो फैमिली मेम्बर से आपके बारे में बात होती है। और कुछ लोग केसेस में ना लिटरली ये थर्ड पार्टी को आपके बारे में भी कुछ बता रहे हैं कि बस वही है, वही है, वही है, बस तुम ही हो, वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।